नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। इस बार अक्टूबर का महीना शारदीय नवरात्र को समर्पित है। इसमें या तो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं या पहले और आखिरी दिन। कई लोगों का मानना है कि एक दिन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना ले तो कहीं न कहीं पोषण की कमी रहती है। यहाँ 9 दिन लगातार जो लोग व्रत रख रहे हैं और अनाज नहीं ले रहे हैं, वो पोषण पूरा कैसे लें, एनर्जी कैसे बनाए रखें जिससे उन्हें कमजोरी भी ना आए और पोषक तत्वों की शरीर में कमी भी ना रहे। कई लोग 9 दिन के व्रत में केवल एक बार खाना खाते हैं, बाकी पूरा दिन फल, दही, साबूदाना, नट्स और नारियल पानी पर रहते हैं। गुनगुना पानी खाली पेट सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। शहद आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। शहद में नेचुरल शुगर होती है जिसकी जरूरत शरीर को होती है। ये टॉक्सिन्स बाहर निकालकर एनर्जी देता है। बादाम में फाइबर और अच्छे नट्स होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और आयरन दिल के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। रात में 10 बादाम पानी में भिगोकर रखें और इनका खाली पेट सेवन करें। बादाम पानी में भीगने के बाद ज्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। बादाम के छिलके में टैनिन होता है। ये बादाम से न्यूट्रिएंट्स निकलने से रोकता है, यानी बादाम से छिलका आसानी से निकलता है और शरीर इसके पौष्टिक तत्व आसानी से सोख लेता है। खाली पेट आंवला जूस सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, खासकर व्रत में। आंवला में विटामिन सी होता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो ध्यान रखिए 45 मिनट तक कैफीन जैसे चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए। ये आयुर्वेद के मुताबिक इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। आंवला प्रकृति से अल्कलाइन होता है, यानी ये पूरी पाचन क्रिया को साफ करने में मदद करता है। ये त्वचा में चमक, बालों को मजबूत और आंखों की रोशनी के लिए काफी लाभकारी है। फलों का सेवन जरूरी है, व्रत में फल लें। इसमें शेक और स्मूदी भी ले सकते हैं जो फलों से बनती है। व्रत में खाली पेट पपीता काफी फायदेमंद होता है। ये पेट साफ करता है और खाली पेट होने वाली ऐठन को खत्म करता है। आप व्रत में चिया सीड्स भी ले सकते हैं। इसमें सभी 9 तरह के अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। एक चम्मच चिया सीड पानी में 20 मिनट के लिए भिगोकर रखें, इसका सेवन करें। आप नारियल पानी या नारियल के दूध में भी इन्हें भिगोकर रख सकते हैं, बाद में इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट सेब का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा है। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है, विटामिन और मिनरल्स की ये कमी नहीं होने देता। दूध में सेब मिक्स करके शेक बनाकर भी आप पी सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।